नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बाबू पांडे और आपको फिर स्वागत करता हूं अपने ही चैनल में। जैसा कि आपको बताना है, यह वीडियो ना कोई टेक का वीडियो वहां पर है कि आपको टेक वीडियो में कोई नया अपडेट आया है, ना किसी ऐप का रिव्यू करूंगा, ना किसी अनबॉक्सिंग करूंगा किसी वहां प्रोडक्ट का। मैं आपको इसमें मोटिवेट करूंगा कुछ चीज़ों को लेकर जो काफ़ी लोग यूट्यूब को क्यूट करके निकल रहे हैं, मतलब कि कह रहे हैं कि यार इतने अपडेट निकाल रहा है तो हम कैसे इस YouTube पर रह पाएंगे, हम अब YouTube छोड़कर जा रहे हैं। तो हम इसी के ऊपर बताएंगे आपको कि यार YouTube में क्या हुआ कि YouTube छोड़कर जा रहे हैं। आप अपने नियम पर वहाँ पर आधारित पर रहिए, अपने वीडियो पर ध्यान दीजिए, अपने कंटेंट पर ध्यान दीजिए। आपको कोई ऐसा चीज़ नहीं कि यार वहाँ पर अपडेट आ गया तो आपको YouTube भगा रहा है, तो यहाँ पर अपने कंटेंट पर ध्यान दीजिए तो आप ज़रूर सफल होंगे। चलिए इसी मोटिवेट को लेकर हम आपको बताते हैं क्या आपको है, कैसे YouTube में आप सक्सेस हो सकते हैं इतने अपडेट के बाद भी। तो हम इस वीडियो में आपको सफलता पूरा बताएंगे। अगर आप उस नियम से चलेंगे तो आपका वहां पर वीडियो वायरल होने में या चैनल वहां पर वायरल होने में कोई नहीं रोक सकता। तो आपका चाहे वहां पर कॉमेडी चैनल हो, चाहे शॉर्ट फिल्म का चैनल आप बनाए हो, चाहे टेक वीडियो का चैनल बनाए हो, चाहे ब्लॉग बनाए हो, तो आपको हर कैटेगरी का वहाँ पर बताएंगे कैसे वहाँ पर वहाँ अपने चैनल को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहली टिप्स आपको बताते हैं। जैसे पहली टिप्स में आप काफ़ी लोग सोचते हैं यार हम यूट्यूब पर चलेंगे, दो तीन वीडियो बनाएंगे और वायरल होकर खूब ज़्यादा पैसा कमाएंगे, तो ये वहाँ पर गेम खराब हो जाता है। इससे आप यूट्यूब पर वहाँ पर आइए सफलतापूर्वक, लेकिन ये मत सोचे कि यहाँ पर आएंगे काफ़ी सारे पैसे हम अपने आप कमाने लगेंगे एक ही वीडियो में। आप पहले आइए दुरुस्तपूर्वक वहाँ पर अपने वीडियो को अच्छी तरह से समझिए, कैसे वीडियो बनाएं, कैसे वहाँ पर लोगो लगाएं, कैसे वहाँ पर कंटेंट बनाएं, अच्छा सा वॉइस कैसा हो वहाँ पर, क्लियर वॉइस हो, और वहाँ पर आपका जो कंटेंट आप समझा रहे हैं, आपका बोलने का तरीका आपके दूसरे वाला जो आपकी वीडियो देख रहा है वो अच्छी पूर्वक समझता रहे। ये नहीं कि आप बोल रहे हैं कुछ और आपको खुद ही शर्म लग रहा है बोलने में, तो दूसरे वालों क्या समझा पाएंगे। ये पहली टिप्स हुई, अपने आप को ऐसे सुधार करिए कैसे वीडियो हम बना रहे हैं और कैसे हम वहाँ पर पोस्ट करें, किस टाइम पोस्ट करें कि हमारा वीडियो उस टाइम लोग देखें, एक दो लोग देखें, जिससे वो प्रभावित होकर आपके चैनल को सब्सक्राइब करें और एक दो सब्सक्राइब ऐसे बढ़ते चले जाएंगे और पहली टिप्स में आपकी चैनल की ग्रोथ वहाँ पर शुरू होगी। अब चलते हैं दूसरी टिप्स के ऊपर। जय दोस्तों, आप कंटेंट पहली टिप्स में बताए कंटेंट बनाइए, वहाँ पर आप प्रायोरिटी रखिए ऐसा कि जैसे कि आपको कंटेंट बनाना हो, आपका बोलने तरीका अच्छा होना चाहिए और आपको समझने वालों को देखना चाहिए कि हाँ कुछ समझा रहा है। अब चलते हैं दूसरी टिप्स में। जैसे कि आपको बताना है आप अपने टाइटल को मेंटेन पहले बनाएं कि आप पहले दूसरी वीडियो देखिए टाइटल कैसे रख रहा है, वहाँ पर टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन रखिए। अगर आपको टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन नहीं आता रखना तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, हम आपको अच्छी तरह से वीडियो बनाएंगे उसमें बताएं कैसे टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन कैसे वहाँ पर सर्चेबल रखना चाहिए, जिससे जो सर्च करे आपकी वीडियो तुरंत दूसरे नंबर पर आ जाए। तो दूसरे टिप्स में बताना चाहता हूँ दोस्तों, आप अपने टाइटल को और वहाँ पर मेंटेनेंस बनाइए कि हाँ टाइटल में ज़रूर सर्च कर सकते हैं। जो काफ़ी लोग गांव में सर्च करते हैं यार, गांव की भाषा में सर्च करते हैं, तो उस वाले टाइटल को आप टैग में रखिए, जिससे काफ़ी लोगों को दिखे ना, नहीं तो दिखता है तो कहता है यार कैसे लिखा है। तो पहले सर्चेबल वाले टाइटल जो रखिए ऊपर रखिए कि कुछ जेन्युइन लगता हो कि हाँ यार टाइटल रखा है बहुत दमदार टाइटल है, तो ऊपर टाइटल में रखिए जो टाइटल का ऑप्शन होता है, और डिस्क्रिप्शन में भी जो वहाँ पर टाइटल में रखे हों डिस्क्रिप्शन में भी वैसे टाइटल रख दीजिए, और वहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन में रखे हों वहाँ पर दो तीन बार उसको दोहरा दीजिए कि हाँ अगर ये सर्च करे तो 100% वीडियो आए। और जो टैग में रखिए, टैग में ऐसे टाइटल रखिए गांव की भाषा हो गई या कहीं और कहीं भी आप सुने हों उस प्रोडक्ट के बारे में, अगर किसी को बोलते हुए तो आप भी वैसे अपने मन से वहाँ पर टैग में रखना चाहिए कि हाँ ये बंदा ये सर्च कर सकता है ऐसे टैग को, तो उसको अपने टैग में रखिए, तो इससे आपकी वीडियो की ग्रोथ हो सकती है। ये हुआ दूसरा टिप्स। अब चलते हैं तीसरे टिप्स की ओर। तो तीसरे टिप्स में आपको बताएंगे आप अपने थंबनेल पर ध्यान दीजिए, यानी देखिए कि यहाँ पर यार दूसरा थंबनेल कैसे बनाता है। आप वहाँ पर दो तीन बार जब दूसरे की वीडियो के थंबनेल देखेंगे तो आपके माइंड में जरूर एक टिप्स वहाँ पर आएगी, यार थंबनेल अच्छा बनाओ, थंबनेल पर विशेष ध्यान दीजिए। थंबनेल बनाने के लिए आप पिक्सल लैब का प्रयोग करें, हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से आप उसको इंस्टॉल करके उससे थंबनेल बनाना सीख लीजिए, बहुत ही अच्छा थंबनेल बनता है उससे, आप जरूर एक बार ट्राई करिए। काफ़ी लोग पिक्स आर्ट या काफ़ी सारे ऐप होते हैं उससे बनाते हैं, पिक्स आर्ट में बहुत सारे उसमें माइंड यार लगता है, बहुत पता नहीं कैसे होता है उसको, सही से नहीं बनते वहाँ से, काफ़ी सारे जो होते हैं जो पुराने हो जाते हैं आर्टिस्ट वहाँ पर बनाने वाले, तो उससे अच्छे बन जाते हैं।
लेकिन जो नए होते हैं वो पिक्सल लैब से बनाएंगे, बहुत अच्छा उससे थंबनेल बनेगा, हम भी उससे बनाते हैं, तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और तीसरी टिप्स में यही बताएं दोस्तों, आप अपने थंबनेल पर विशेष ध्यान दीजिए। थंबनेल में ध्यान देंगे तो आपका टाइटल भी काम करेगा, आपका डिस्क्रिप्शन भी काम करेगा, आपका टैग भी अपने आप काम करेगा। और एक चौथा वहाँ पर टिप्स है, टिप्स नहीं दोस्तों, एक प्रकार का मैसेज आपको, काफ़ी लोग क्या करते हैं नया चैनल बना लिए, वहाँ पर जहाँ जाएंगे तुरंत कहेंगे यार सब्सक्राइब कर लो। अगर वो बंदा आपकी वीडियो को पसंद नहीं करता है तो सब्सक्राइब करने का क्या मतलब निकलेगा। यहाँ पर मैं सोचता हूँ जैसे कि यार सब्सक्राइब करा देते हैं, 100-150 सब्सक्राइबर तो ऐसे हो जाते हैं जो फेक रहते हैं, वहाँ पर उनसे कोई मतलब नहीं रहता, सब्सक्राइब कर दी आपकी वीडियो को देखेंगे नहीं। और काफ़ी लोग क्या करते हैं, सब्सक्राइब आप करके आए, दूसरे दिन आपकी देखे दो तीन दिन मैसेज गया आपका वीडियो की, अनसब्सक्राइब कर देते हैं। यार कहते हैं यार इतने सारे वहाँ पर मैसेज क्यों आ रहे हैं यार, मैं फालतू वहाँ पर वीडियो पता नहीं कैसे बनाता है, उसको समझ में नहीं आता, मैं अनसब्सक्राइब कर दिया। तो अपने आप से आप किसी के मोबाइल में सब्सक्राइब ना करिए, उसको सिर्फ बता दीजिए कि हाँ मैं वीडियो बनाता हूँ, ये बता दीजिए कि हाँ चैनल है ऐसा, उसका मन होगा सब्सक्राइब करेगा नहीं करेगा आपकी कोई वो नहीं है। आप अपने कंटेंट पर ध्यान दीजिए, जैसे कि मैं तीन टिप्स वहाँ पर दिया, तीन टिप्स तो वहाँ पर देखेंगे, उस हिसाब से आप अपने चैनल को जब ग्रोथ बढ़ाएंगे तो अपने आप सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, आपको किसी की ज़रूरत नहीं होगी कहने की। तो यहाँ पर आप किसी को अपने वहाँ हाथ से सब्सक्राइब ना करिए कि हाँ सब्सक्राइब कर लो यार मेरा चैनल है। और जो हम बताने जा रहे हैं अगली टिप्स के बारे में, पांचवी टिप्स, जैसे कि आप समझ लीजिए, तो वहाँ पर आपको है कि काफ़ी लोग कहते हैं कि यार अगर टेक वीडियो बना रहे हैं तो यार 2-3 दिन में बनाइए। मैं कहता हूँ दोस्तों, अगर आप टेक चैनल बनाए हुए हैं, टेक वीडियो बनाते हैं, तो आप डेली एक वीडियो या दो वीडियो जरूर बनाएं। जैसा कि हमारे टेक्निकल गुरुजी हैं, वो डेली दो वीडियो देते हैं, नहीं कि यार 2-3 दिन में एक वीडियो देंगे, वो डेली दो वीडियो देंगे, चाहे जिस हालत में चाहे जहाँ जाते हैं, दो वीडियो उनकी ज़रूर आती है। तो आप भी ऐसे अगर आप करेंगे दो वीडियो या एक वीडियो करेंगे डेली, तो आपकी चैनल ग्रोथ अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगी, नहीं कि यार 1 महीने हो गए, 15 दिन हो गए तो एक वीडियो जा रही है। मैं मानता हूँ दोस्तों, जैसे कि आपका टेग कैटेगरी से ना होकर आपका ब्लॉग में है, आपकी शॉर्ट फिल्म में बनाते हैं, तो आप 1 महीने तक उसका इंतज़ार कर सकते हैं, ब्लॉग में 1 महीने तक इंतज़ार करते हैं, तो वहाँ पर आपको रैंकिंग का वहाँ पर समय लेता है, ब्लॉग चैनल और वहाँ पर आपकी शॉर्ट फिल्म वहाँ पर रैंकिंग का समय लेता है मैं मानता हूँ, और उसमें बना सकते हैं 1 महीने या 15 दिन में। लेकिन आपका अगर टेक वीडियो आपका टेक चैनल है तो उसमें नई नई अपडेट इतनी आती है टेक वीडियो में, अगर आप डेली बनाएंगे तो आपका चैनल जल्दी ग्रोथ होगा वहाँ से। टेक वीडियो में जानते हैं दोस्तों आपके ज़्यादा वहाँ पर सब्सक्राइबर इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि टेक वीडियो सिर्फ यूट्यूबर देखते हैं और जो उसके इंटरेस्टेड होते हैं वहाँ उसके वीडियो वहाँ पर देखते हैं, और ब्लॉग और शॉर्ट फिल्म जो होती है दोस्तों वो सब देखते हैं, वहाँ से लेकर आपके 18 एज से लेकर आपके वहाँ पर लेंगे पूरा लास्ट 90 एज तक, पूरा मतलब कि 18 साल से लेकर 90 साल के लोगों तक वहाँ पर वो वीडियो जाती है, वो सब देखते हैं ब्लॉग चैनल वाले वहाँ पर, और जो शॉर्ट फिल्म होती है वो सब। तो जो टेक वीडियो होता है सिर्फ दोस्तों 18 से लेकर 25, 30, 45 बस इतने लोग देखते हैं जो वहाँ पर यूट्यूबर होते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, सिर्फ अगर आप यूट्यूब बनाते हैं, यूट्यूब चैनल के लिए आप टेक वीडियो बनाते हैं, तो आप ज़रूर एक वीडियो या दो वीडियो रोज डेली डालिए। और हम चलते हैं अगले टिप्स की ओर दोस्तों, यो टिप्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर अगली टिप्स आपको बताएंगे कि इसमें आपको सूचना है, एक टिप्स नहीं है इसमें, आपको जो काफ़ी लोग कहते हैं कि यार वो इतना अर्निंग कर रहा है यूट्यूब से, आप भी एक यूट्यूब चैनल खोल लो और उससे अर्निंग का भी करो, तो आप किसी के कहे में आप ना आइए, आप अपने वहाँ से दिल से आइए कि हाँ यूट्यूब पर हम चलेंगे। किसी को ऐसी ही सूचना बताएंगे कि अच्छे से अच्छा वहाँ पर उनको बेनिफिट होगा, दूसरों को भी, और आपको वहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट बेनिफिट होगा, तो यहाँ पर आप दूसरे कहे में आएंगे तो आपका बेनिफिट नहीं तो आपका ख़राब हो जाएगा चैनल। और दूसरे कहे में आएंगे दो वीडियो बनाएंगे और सोचेंगे यार अब कमाई शुरू होगी, तो आप दूसरे कहे में आइए। आप तुरंत अगर अपने मन से आएंगे कि हाँ हम चलेंगे अब यूट्यूब पर, अच्छी तरह से वहाँ सबको बताएं कि यार यूट्यूब पर ऐसे काम करो तो सक्सेस होगे, जैसे कि हम बता रहे हैं, आप अपने बारे में पहले मत सोचिए, आप दूसरों के बारे में पहले सोचिए, तो आपका सक्सेस पॉइंट पर वहाँ पर बनेगा चैनल। तो ये बताना दोस्तों, अगर आपको कुछ समझ में आया हो इस वीडियो से, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नए दिश में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रहे दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को, फिर से कह रहा हूँ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अगली आने वाली वीडियो फिर से मिल सके। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नए दिश में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।